हे गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू न्यू अनदर क्रिएटिव। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गाइज आप लोग VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के अंदर आईफोन फिल्टर कैसे ऐड कर सकते हैं एंड उसको कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो। पास भी एक एंड्रॉइड मोबाइल है और आप चाहते हैं आईफोन की कैसी वीडियो एडिट करना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गाइज आप लोग VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन की मदद से आईफोन फिल्टर कैसे यूज़ कर सकते हो, आप लोग अपनी वीडियो के अंदर आईफोन इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, और लाइट चली गई है। फाइनली गाइज मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले तो गाइज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आपको फिल्टर कैसे ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद बताऊंगा कि आप लोगों को फिल्टर ऐड करने के बाद अपनी वीडियो के अंदर कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे तो चलिए मैं यहाँ से VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोगों को अपना VN एप्लीकेशन ओपन करना होगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने अपना VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आप लोगों को कोई भी यहाँ पर अपने वीडियो को ऐड कर लेना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई भी एक वीडियो अभी आप लोगों को ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। तो अभी के टाइम पर मैंने यहाँ पर एक वीडियो को यहाँ पर ये ऐड किया हुआ है, ठीक है। अभी के टाइम पर मैंने इसमें ये फिल्टर यूज़ किया है, तो मैं इस फिल्टर को पहले यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हो तो ये ओरिजिनल वीडियो है, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। ये ओरिजिनल वीडियो है कुछ इस टाइप से, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग यहाँ पर इसमें आईफोन इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हमें गाइज हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमें सबसे फिल्टर ऐड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर फिल्टर वाले ऑप्शन पर आना होगा, एंड यहाँ पर आप लोगों को प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप से अब निकल कर आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देखने को मिलेगा इंपोर्ट फ्रॉम फाइल मैनेजर, सो आपको इस पर क्लिक करना होगा, एंड यहाँ पर आपकी फाइल मैनेजर यहाँ ओपन हो जाएगी आपकी। यहाँ से आप लोगों को जो आप लोगों ने फिल्टर को डाउनलोड किया होगा, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, और उस फिल्टर का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इजीली से जाके उस फिल्टर को डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आईफोन न्यू फिल्टर, तो मैंने इसको यहाँ से ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, ठीक है। इस टाइप से आप लोग जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका फिल्टर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आप लोग यहाँ पर फिल्टर को ऐड कर सकते हो। मैंने इस फिल्टर को यहाँ पर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोगों को अभी ऐड करके नहीं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पर अपने VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन की अंदर यहाँ पर इसको ऐड किया हुआ है। एंड मैं आप लोगों को सेकंड ट्रिक बताऊंगा अब आप लोगों को और कैसे इस फिल्टर को ऐड करना है अगर ये ऐसे ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को फिर से फाइल मैनेजर वाले अपने आप लोगों को अपने फाइल मैनेजर में पहुंच जाना होगा। आप लोगों को अपने फाइल मैनेजर को आपको ओपन करना होगा, ठीक है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड्स में चले जाना होगा, एंड यहाँ पर आप लोगों ने जो फिल्टर को भी डाउनलोड किया होगा तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो मैंने अभी इस फिल्टर को यहाँ पर डाउनलोड किया था, तो ये देख सकते हो ये फिल्टर यहाँ पर आ चुका है। फिल्टर पर आप लोगों को फिल्टर पर क्लिक करना होगा। तो जैसे फिल्टर पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको मोर पर क्लिक करना होगा, एंड यहाँ पर आप लोगों को एक यहाँ पर देखने को मिलेगा इंपोर्ट टू VN। तो जैसे आप इंपोर्ट टू VN पर क्लिक करेंगे, ये फिल्टर ऑटोमेटिकली आपके VN एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पर इसको ऐड किया हुआ है, तो कुछ स्टेप से यहाँ से निकल कर आ जाएगा, एंड ये ऑटोमेटिकली आपका फिल्टर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस स्टेप से गाइस आप लोग यहाँ पर इस फिल्टर को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फिल्टर को आपको आखिर यूज़ कैसे करना है, ठीक है। आप लोगों को इस फिल्टर का यूज करके आप लोगों को अपनी वीडियो को एडिटिंग कैसे करनी है, तो वो देख सकते हो ये ओरिजिनल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर कोई भी अभी यहाँ पर एडिटिंग वगैरह नहीं हो रखी है। अब आप लोगों को इस अपनी वीडियो के लेयर पर क्लिक करना होगा, एंड यहाँ से आप लोगों को फिल्टर वाले ऑप्शन पर आना होगा, एंड यहाँ से आप लोगों को थोड़ा स्क्रॉल करना है, एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा विविड का, सो आपको विविड पर क्लिक करना होगा। एंड जो A1 है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना होगा, विविड पर आपको आना होगा। एंड गाइस आप लोगों को विविड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर V11 वाला जो यहाँ पर ये फिल्टर देखने को मिल जाएगा, आपको इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आपकी वीडियो के अंदर यहाँ पर ये फिल्टर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन पर आना होगा। एडजस्ट वाले ऑप्शन पर आने के बाद अब थोड़ा सा आपको कुछ इस टाइप से अपनी वीडियो को यहाँ पर अपनी वीडियो के हिसाब से आपको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करना होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको आपको ब्राइटनेस को तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल हल्का प्लस करना होगा, एंड कॉन्ट्रास्ट को आपको थोड़ा सा यहाँ पर माइनस करना होगा, ठीक है। माइनस करने के बाद अब इसको यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा सा आपको यहाँ पर बढ़ा लेना होगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप लोगों को इसका एक्सपोजर को बढ़ाना होगा, एंड आपकी वीडियो के अंदर यहाँ पर आईफोन इफेक्ट ऐड हो जाएगा, जैसे कि गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको देख सकते हो गाइस, ये बिफोर है एंड आफ्टर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। आपकी वीडियो के अंदर यहाँ पर खुद आप लोग देख सकते हो, ये बिफोर है एंड आफ्टर आप देख सकते हो। तो आप लोगों को डिफरेंट थोड़ा सा खुद ही पता चल गया होगा कि इस टाइप से गाइस आप लोग अपनी वीडियो के अंदर यहाँ पर आईफोन फिल्टर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर गाइस अगर आप वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, एंड यहाँ से आप लोगों को यहाँ से गाइज ओके पर क्लिक करना होगा, तो ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस टाइप से गाइज आप लोग अपनी वीडियो के अंदर यहाँ पर VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के अंदर फिल्टर को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो आपके साथ ये शेयर करना था। मैं मिलता हूँ अपने वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।